नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस हम पहुंचने वाले हैं स्थानीय शहीद भगत सिंह चौक के पास। मालूम चला है कि पीसा के मीनार है, 7 अजूबों में से एक है पीसा के मीनार। उनका भी हम आपको दिखलाते हैं क्या आखिर वो पीसा के मीनार जो है इटली का है। इटली का जो मीनार है वो झुका हुआ है, तो शहीद भगत सिंह चौक पर भी एक मीनार है, तो पीसा के मीनार से कम नहीं है। हम आपको रूबरू करवाते हैं कि पीसा के मीनार क्यों कहला रहा है, क्या परेशानी है उनके बारे में। चलिए हम रिक्शा का धारण कर लिए। चलिए बाबा, ये भगत सिंह चौक के पास यहाँ पर आ गए हैं और हम आपको दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप लोग देखे नहीं होंगे, वो पीसा के मीनार इटली के बाद अगर है तो वो पटना साहिब का स्थानीय शहीद भगत सिंह चौक के पास है। हम शहीद भगत सिंह चौक के पास हम आ गए हैं और यहाँ हम आपको दिखलाते हैं कि आखिर पीसा के मीनार क्यों कहलाता है। रोक दीजिएगा बाबा। चलिए अब उस जगह आ गए हैं, उस स्थान पर आ गए हैं, वो है पीसा के मीनार। ये रहा, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा मीनार है, लेकिन मीनार जो है पूरा झुक गया है। इटली में जो पीसा के मीनार जो है वो आधा झुका हुआ है, सब लोग को नज़र में है, लेकिन यहाँ का आप जो दृश्य देख सकते हैं ये टावर है। और ये टावर जो है पिछले 2 वर्षों से ये झुका हुआ है। यहाँ का दृश्य जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये खंभा जो छोड़ चुका है, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, सरकार की नज़र में भी है, यहाँ का स्थानीय थाना प्रशासन के भी नज़र में है। इसकी बगल का जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में दब गया है और तमाम किस्म के, जैसे कि बंदर है, यहाँ पर अपना घर बना चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इनको भी डर समाया हुआ रहता है ये हादसा कहीं गिर ना जाए। ये क्या चीज़ का है बताइए, क्या नाम हुआ? डर लगता है। हाँ, डर लगता है। हवा बहता है तो हिलता है ना? हाँ, हिलता है। अभी भी गिरिया जाएगा, हवा लगेगा तो गिरिया जाएगा। गिर जाएगा ना? हाँ, इधर से छोड़ दिया है। प्रशासन लोग भी देखते हैं ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं करता है प्रशासन लोग, कुछ नहीं करता। क्या नाम हुआ जी? अजीत भारती। ये तो कभी भी गिर सकता है ना? एकदम गिर सकता है। हाँ? जी, मकान पर, बिल्डिंग पर आ हुआ है, बिल्डिंग नहीं रहता तो कभी भी गिर सकता है। प्रशासन क्या सबको नजर में है ये चीज? यार आवे करता है तो ये चीज सबके नजर में है, सब देखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखा है, मगर कोई भी इसको ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा हादसा होने से यहाँ पर बहुत ही आदमी यहाँ पर रहता है, चौक मेन चौक है, यहाँ पर भीड़ हर समय रहता है, गाड़ी उड़ी लगा रहता है, बहुत बड़ा हादसा होने का शंका है। क्या नाम हुआ? मेरा रविंदर कुमार गुप्ता। आप बताइए। हमारा नाम सियाराम हुआ, ठीक ना? ये सही बात है कि अगर जो जब गिर जाएगा तो हादसा तो बहुत बड़ा होगा। जब हादसा होने के बाद, हादसा होने के बाद है ना कोई एक्शन लिया जाएगा ना, अगर जो हादसा से पहले कोई एक्शन ले लिया जाए तो हादसा होबे ना करे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर में रस्सी से बांधा हुआ है सर घर पर, ऊपर में रस्सी से बांधा हुआ है, कभी हादसा हो सकता है, नीचे से छूटा हुआ है। इसमें आपको देखना चाहिए था, सरकार को देखना चाहिए था, प्रशासन को देखना चाहिए था, कोई नहीं देख रहा, सब आते गाड़ी लगाते प्रशासन चले जाते हैं अपना। राम भरोसे, राम भरोसे, हनुमान भरोसे। आपका राम रतन मिश्रा। बताइए मिश्रा जी, क्या है, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है, खाली प्रशासन, खाली नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हो भी हो, ठेला वाला हो या रिक्शा वाला, ये जल्द से जल्द हटना चाहिए, नहीं तो गिरने पर कितना आदमी मरेगा, कोई जनका बहुत सा आदमी मर भी सकता है। बहुत बहुत ये बताइए, वो टावर जो झुका हुआ है तो डर लगता है आपको? खतरा है। इसको 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 हटवाइए, मतलब इसको दूसरा बनवाइए। इसको खतरा है, इसको जल्दी हटवाइए। आप वहाँ रिक्शा नहीं लगाते हैं ना? रिक्शा लगाते हैं, कोई के हमले रिक्शा लगे चाहे कोई के रहे, ये खतरा है। SSI ट्यूब आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ। तब तक बाय बाय।